शहर में डेंगू अपने पैर तेजी से पसार रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। डेंगू ने शहर में अब तक 2 लोगों की जानें ले ली, जिसमें दिल्ली में इलाज करा रही शहर की 13 वर्ष की बच्ची और डेंगू के इलाज के लिए दिल्ली जा रही एक बुजुर्ग महिला शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से 2 मौतों की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि शहर में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मलेरिया विभाग की टीमें उन जगहों पर जाकर सर्वे कर रही है जहां पर डेंगू के पेशेंट सामने आए हैं। फॉगिंग की जा रही है। शहर में अब तक डेंगू के 66 मामले सामने आए हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या छोटे बच्चों की है। अभी तक 28 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से एक ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। रोजाना तकरीबन 20 से अधिक संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सोमवार को भी 2 नए मरीज डेंगू के सामने आए थे। ग्वालियर के अलावा आसपास के जिलों में भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। टीम भारती न्यूज। हाँ, डेंगू के अभी अपने ग्वालियर जिले में 55 केस निकले थे, उसमें से 11 बाहर के हैं, 44 अपने शहर के थे, और इसमें 2 डेथ अभी थी इसमें। और अभी कल टीएल में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश किया गया हम लोगों ने कि वो जो अपने हाई रिस्क वाले जो वार्ड थे, जहाँ पर पहले भी केस बहुतायत में आए थे, तो वहाँ पर हम लोग लगातार सघन लार्वा सर्वे एक्टिविटी, एंटी लार्वा सर्वे एक्टिविटी हम लोग करेंगे। इसके लिए जो मलेरिया टीम है उसको निर्देशित किया गया है, और साथ में अपने से नगर निगम से समन्वय बना के हम लोग उसका फॉगिंग वगैरह के भी कार्यक्रम करेंगे। और कल कलेक्टर साहब के हम लोगों ने मांग की थी कि हमको करीब स्प्रे के लिए 300 लीटर डीजल, वो पेट्रोल केरोसिन चाहिएगा हम लोग को, तो केरोसिन की सर ने वहाँ पर जो फूड वाले थे उनको तत्काल निर्देशित किया, तो हम लोग को 300 लीटर केरोसिन मिल जाएगा, तो इसलिए हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो अब ये डेथ हिस्ट्री है, कहाँ के थे ये लोग और क्या उम्र है इनकी? एक तो बच्ची थी 13 साल की, उसको 1 तारीख को दिल्ली में डेथ हुई थी, और बाद में उसकी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव हुई थी। ऐसी ही बुजुर्ग महिला की भी है कि उनकी जब डेथ हो गई थी उसके बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आपको पता है डेंगू की 48 आवर्स के बाद आती है, तो डेथ के बाद उनकी रिपोर्ट आई थी, फिर पूरी जो कार्रवाई होती है वो हमारी पूरी टीम कर रही है वहाँ। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।